प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बाप रे, क्या इतना बाबूजी ने भरा है बैग में, बहुत वजन है। अरे, अरे। तीनों साथ में कैसे आ गए? क्योंकि क्योंकि हम तीनों एक साथ में इसी घर में रहते हैं। अरे ऐसा नहीं, बापूजी तो गांव गए थे। समझ गई, आप और टप्पू बापूजी को लेने गांव गए और वहां से यहां पर आए, बराबर? ये डोबेश बेटा, बहू मैं जब गांव से आया तो जेठा मुझे नीचे मिला, उसने बताया कि टप्पू ने स्कूल में हड़ताल कर दी है, इसलिए जेठा मुझे स्कूल में लेकर गया था। तो टप्पू की सारी मांगे पूरी हो गई? नहीं, टप्पू को गलती का एहसास हो गया, उसने मेरी बात मान ली और टप्पू ने हड़ताल खत्म कर दी। देखा कितना समझदार है मेरा बेटा। ये और समझदार। एक मिनट बापूजी, आप हाथ मुंह धोकर आइए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। अदरक डालना? हाँ, पता है मुझे। संडे की सुबह, जवाब नहीं इस खूबसूरत सुबह का। असल में मैं तो शनिवार की दोपहर से ही संडे की सुबह का इंतजार करने लगता हूँ, क्योंकि संडे का मतलब सारे न्यूज़पेपर्स आराम से पढ़ो, खाओ, फिर सो जाओ, और हफ्ते भर जो विचार दिमाग में उमड़ते घुमड़ते रहे हो उनको कलम लेके कागज़ पे लिख दो। लेकिन कहाँ साहब, सब संडे ऐसे नहीं होते ना, क्योंकि हर संडे की सुबह ये जो बीवी होती है ना, ये हाथों में अपनी लिस्ट ऐसे थमा देती है दिन भर के काम करने की, जैसे कोई ग्रॉसरी की लिस्ट दे रही है। आज भी तो मुझे उसे फिल्म दिखानी है, वादा किया है भाई। बड़ा अजीब सा नाम है फिल्म का, घर वाली से अच्छी बाहर वाली। कहने का मतलब ये है कि मैं अपना संडे कैसे भी बिताना चाहूँ। अंजलि के पास अपने प्रोग्राम्स की लिस्ट रहती है, और मैं ही क्या, दुनिया के सारे मर्दों का हाल एक जैसा है। मेरे खास दोस्त जेठालाल, उनका हाल भी देख लीजिए, वो संडे को क्या करना चाहते हैं और संडे कैसा तब्दील हो जाता है। हाँ मां, कैसी हो? जल्दी में हो? क्यों, किधर जाना है? तू दूध पी ले। ब्रश नहीं किया बापू जी। तू चाय पी। हाँ, अच्छा, वो अहमदाबाद में हमारे पड़ोसी है ना, कमलेश भाई और कमला बहन, उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है, तो उसके लिए उन लोगों ने बहुत बड़ी पूजा रखी है। बेवकूफ कमलेश। हाँ माँ, हमारी ओर से हवन में 51 रुपए रख देना। अच्छा माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। पता है मैंने तो हमारी शादी की 25वीं सालगिरह के लिए क्या क्या सोच कर रखा है, क्या क्या पहनना, किसको बुलाना, किसको नहीं बुलाना, सब सोच कर रखा है। मैंने भी सोच कर रखा है। ए भाई, तू पहले पढ़ाई पूरी कर, फिर अपनी शादी के बारे में सोचना। अरे पापा, मैं मेरी नहीं आपकी बात कर रहा हूँ। अरे हमारी शादी की सालगिरह के बारे में तूने क्या सोच कर रखा है? आपके शादी के 25 साल पूरे होंगे ना, तो हम आपकी फिर से शादी करवाएंगे। किससे? मम्मी से। पापा को घोड़े पे बिठा के उनका जुलूस निकालेंगे। जुलूस? अरे जुलूस नहीं बेवकूफ, बारात। ब्रे, इसमें क्या चुप रहे बाबूजी? अरे तू घोड़े पे बैठेगा तो घोड़ा खुद बैठ जाएगा। तो मम्मी पापा को ऊंट पर बिठाएंगे। ऊंट पे ये हाथी?
अरे ऐसा खेल तो कोई सर्कस में भी नहीं दिखाते होंगे। चल। ऊंट के ऊपर हाथी। तुझे बहुत मजा आ रहा है ऊंट पे हाथी। अब कितने भोले हैं, मजाक भी नहीं समझते। नॉनसेंस। यस यस। टप्पू। हाँ? अरे क्या कर रहा है मेरा बेटा? दादाजी गेम खेल रहा हूँ, आप खेलोगे? अरे मुझे थोड़ी आता है ये तेरा कंप्यूटर कंप्यूटर। पर ये टपूड़ा, ये तेरे कंप्यूटर में खाली गेम ही आता है? नहीं दादाजी, इसमें हम गाने सुन सकते, इंटरनेट से दुनिया के किसी भी कोने में चैटिंग कर सकते हैं। मतलब बातें कर सकते हैं। अरे वो तो फोन पे भी कर सकते हैं। दादाजी हम कंप्यूटर में जो चाहे वो कर सकते हैं। अरे वो सब छोड़, चल चल जल्दी से तैयार हो जा, हमें कच्ची समाज के सम्मेलन में देरी हो रही है। चल दादाजी लास्ट गेम है। अरे लास्ट गेम वाली तेरी लास्ट गेम कभी आती ही नहीं। चल चल चल। अरे अरे सुनिए, आप अभी तक तैयार नहीं हुए, कच्ची सम्मेलन के फंक्शन में जाना है ना। अरे हाँ वो आज ही है नहीं? हाँ। दया मैं क्या कह रहा था, आज वो ज्यादा खा लिया है तो बहुत नींद आ रही है मुझे। होता है कभी कभी ज्यादा खाना खाते हैं ना तो आलस आ जाती है, और आलस की वजह से नींद भी आ जाती है। कोई बात नहीं, नई बात नहीं है कोई है। तो अब तो मैं ये कह रहा था, मैं नहीं आऊं तो चलेगा? ये भी कोई नई बात नहीं है। कोई बात नहीं, आप आराम से सो जाइए, मैं बापूजी को बुलाती हूँ। आप ये सब बापूजी को समझा दीजिए, आपकी नींद फटाक से उठ जाएगी। सब तैयार हो गए? हाँ मैं तैयार हूँ। मैंने पूछा सब तैयार हो गए? सब मतलब तुम अकेली नहीं, तुम्हारी पूरी गैंग। मतलब तुम बापूजी टप्पू सब तैयार हो गए? बापूजी और टप्पू तैयार हो रहे हैं। तो जब तक वो लोग तैयार हो रहे हैं तब तक मैं सो सकता हूँ? मतलब आप आ रहे हैं, और कोई चारा है? वाह ये तो पता ही था। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, फंक्शन से हम लोग चौपाटी जाएंगे, समंदर किनारे जरा घूमेंगे, और फिर वहाँ से कोई अच्छी होटल में खाना खा के घर पर आ जाएंगे। बाप रे, इसने तो आज पूरा संडे बिगाड़ने का प्रोग्राम बना रखा है। आप ऐसे क्या देख रहे हो, बोलो ना, मन में मत रखो। आप यही कहना चाहते हो ना कि मैं आज कितनी खूबसूरत लग रही हूँ? सिर्फ खूबसूरत नहीं, स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। आज तो आप अलग ही मूड में हो ना, झूठ बोलने के। चलो चलो तैयार हो जाओ, बापूजी और टप्पू कब के तैयार हो गए होंगे। ये क्या, लाइट गई? लेकिन यहाँ तो लाइट है, लगता है बेडरूम का फ्यूज गया है। दया ये तुम क्या कर रही हो दया?
क्या अब भी कुछ समझते ही नहीं। हिंदी फिल्म में हीरोइन को जब हीरो के ऊपर प्यार उमड़ आता है ना, तो वो बेडरूम में ऐसे ही मोमबत्ती जलाती है ना। इससे पहले कि मैं हमेशा हमेशा के लिए ऐसे मुड़ जाऊं, क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ? थैंक यू। क्यों? मुझसे भी आपका वजन नहीं उठाया जा रहा है। अरे पगली, तो पहले बोलना चाहिए ना। मैं क्या बोलता हूँ, हम दोनों अपनी अपनी जगह बदल ले। यानी क्या हुआ? खुशी। मैं क्या कहती हूँ? क्या आपको आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारा टप्पू अकेला पड़ गया है? नहीं, बापूजी है ना उसके साथ। ओहो, क्या आप भी? अरे मैं समझ गया डोबी। तो फिर क्या सोचा आपने? अभी सोचने का क्या जेठा? जेठा जेठा, बाप रे क्या भयानक सपना था। अरे बहू देख जेठा तैयार हुआ कि नहीं। हाँ अभी देखती हूँ बापूजी। क्या हुआ? अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए हैं? मैं नहीं आ रहा हूँ। साल में एक ही बार तो हमारे कच्ची समाज का सम्मेलन होता है, क्या आप भी? बापूजी क्या हुआ? देखिए ना बापूजी। ये जेठा तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? बापूजी वो समाज के सम्मेलन में मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? पेट में गड़बड़ है। गड़बड़ वाली मैं सब जानता हूँ। गड़बड़ तेरे पेट में नहीं, तेरी जेब में। तुझे नहीं आना है तो मत आ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले। हर साल की तरह इस साल भी मैं समाज में 51,000 लिखवा दूंगा। तू बाद में चेक भेज देना। बापूजी इस साल दिवाली अच्छी नहीं गई है। चल बहू। हाँ बापूजी। अरे सुन। हाँ। घर में खाने के लिए कुछ पड़ा है क्या? नहीं। हाँ दही खाखरा है ना। आपको तो पेट में गड़बड़ है ना? अगर गड़बड़ ठीक हो गई तो की बात कर रहा हूँ। अच्छा आश गए सब, अभी पूरा संडे आराम से सो के बिताऊंगा। तुम लोग अभी तक गए नहीं? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपकी तबीयत सच में ठीक है ना? हाँ। तो फिर चलिए ना हमारे साथ, हमारे समाज के सब लोग वहाँ पर आएंगे, बड़ा मजा आएगा। दया सच बताऊँ, आज क्या है संडे है और मैं एकदम वो बोलते हैं ना संडे मूड में हूँ। मुझे पूरा दिन आराम करना है, घर से बाहर निकलना ही नहीं है, इसलिए तुम लोग भी क्या है आराम से आना, जितना टाइम लगे उतना टाइम लगा के आना और मुझे आराम करने दो बस। ठीक है। अरे आप सचमुच में आराम ही करने वाले हैं कि भीड़े भाई सोड़ी भाई और मेहता साहब के साथ घर में कुछ प्रोग्राम रखा है? दया तुम मुझ पे शक कर रही हो? देखिए। अरे बहू जल्दी कर, देर हो रही है। हाँ हाँ बापूजी बस आ ही रही हूँ। अरे वाह क्या बात है चंपक चाचा जी, नया जैकेट वैकेट है? कहीं शादी में जा रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, हमारे कच्ची समाज का सम्मेलन है ना, वहाँ पर जा रहे हैं। ओ तो फिर जेठालाल नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? अरे उसके पेट में गड़बड़ है, वो घर में पड़ा है। अच्छा अच्छा चल बहू पहले ही देर हो गई है, चल। हाँ। चल। अरे भिंडी मास्टर रास्ता देना चाहिए। हाँ Mm.
दया दरवाजा। अरे दया तुम क्या, कोई नहीं है घर में। बेटा। अरे अंकल टप्पू कहाँ है? टप्पू नहीं है, बाहर गया। चलो आज संडे है, वो कहाँ गया है? वो अपनी मम्मी के साथ बाहर गया है। चलो क्यों? वो जब भी आएगा तभी उसी को पूछ लेना क्यों गया है बाहर। हैं चलो अंकल आप क्यों नहीं गए? बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं गया। चलो अभी तुम लोग जाओ, टप्पू आएगा ना तो मैं उसको उधर नीचे भेजता हूँ, उसको खेलने के लिए बुलाने आए थे ना। हाँ लेकिन टप्पू तो है नहीं, हमारी टीम की बॉल उसके पास है, अभी हम बिना बॉल के कैसे खेले? वो बॉल तो अभी पता नहीं उसने कहाँ रख दिया है बेटा। अंकल आप टेंशन मत लो, हम लोग बॉल ढूंढ लेंगे। क्या ढूंढ लेंगे? देखो टप्पू आएगा तो टप्पू और बॉल दोनों को मैं नीचे भेजता हूँ। अंकल तब तक हम क्या करें? अभी वो आप लोग जानो। अरे एक काम करते, टप्पू आने तक हम टीवी देखते हैं। चलो चल बैठ जाओ। अरे बैठा किधर तुम लोग? अंकल रिमोट कहाँ है? रिमोट बेटा वो टप्पू अपने साथ लेके गया है। एक बात बताओ, ये तुम लोग का बॉल कितने का आता है? 15 रुपए। 15 रुपए ने? ओहो ये लो, ये 10 रुपया मेरी तरफ से, 5 रुपया तुम अपनी तरफ से डाल के नया बॉल लेके खेलो। जाओ। क्या अंकल अभी हम 5 रुपया किसके पास मांगने जाएं? एक मिनट, 10 रुपया इधर ला भाई। ये ठीक है, ये 50 तुम रखो, 15 का वो नया बॉल लेके, वो बाकी का 35 रुपया मुझे वापस दे के जाना। बाकी के पैसे से हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। चलो आस गए तो सही, आखिर अब मैं जाके आराम से सोता हूँ। भगवान कोई सोने ही नहीं दे रहा है आज। आइए आइए और अंदर आइए आइए। कमाल हो गया है, कितने दिन हो गए आपको देखे, कहाँ है आप? I'm sorry, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मैं तो चाहता हूँ आप रोज इस तरह मुझे डिस्टर्ब करे। जी नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे? अरे बैठने को कैसे कहूँ, एक तो घर में मैं अकेला, इधर बबीता जी अकेली, घर में कोई है नहीं। जेठा जी व्हाट इज इट, बैठ जाओ। मैं हाँ हाँ बैठिए ना। थैंक यू थैंक यू। अरे बाप रे ये तो बैठ गई, अजीब धर्म संकट है, मैं और बबीता जी मेरे घर में अकेले, अगर इस वक्त किसी ने देख लिया हमको इस तरह तो क्या सोचेंगे, कि जेठा और बबीता का कुछ लफड़ा तो नहीं है। बेचारा जेठालाल हर वक्त यही सपने देखता रहता था कि एक बार बस एक बार किसी तरह बबीता जी के साथ अकेले रहने का मौका मिल जाए। आप और हम भी तो यही सोचते थे कि अगर जेठालाल बबीता से मिला तो क्या कहेगा, लेकिन अंततः जेठालाल का हिंदुस्तानी दिल कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि उसके दिल में अभी भी हिंदुस्तानी परंपराएं और संस्कार बाकी हैं। उसने कहा ये सब कुछ गलत है, ये नहीं हो सकता। हम भी यही चाहते हैं कि हम सब लोगों के परंपराएं और संस्कार जिंदा रहे, और उसी कोशिश में लगे हुए हम, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए मेरे साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।